अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, हैरो फियस से हैं। कल माशाल्लाह मुस्तफ़ा हनीफ भाई ने फ्रूट का स्टॉल लगाया रूटीन के मुताबिक, और आई थिंक 2 या 3 रमज़ान हो चुके हैं 10 रुपये केजी के हिसाब से, और माशाल्लाह बहुत सोशल मीडिया पर वायरल भी जा रहा है, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन एक वीडियो मुस्तफ़ा भाई ने लगाई जिसमें लोग ऐसे आए कि जैसे समझे कि एक फोर्स आती है और वो उठाकर जैसे वो टड्डी दिल हमला करते हैं ना वो फसलों के ऊपर उस तरह। तो एक्चुअली वो सारा वाक़या था क्या, हुआ क्या और क्या वजह थी? फ्रूट कम था, लोगों को मिल नहीं था रहा। जी मुस्तफ़ा भाई कैसे हैं बताइए। क्या बड़ा भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह भाई। 3 साल से सिलसिला चल रहा है, सही है, मतलब बड़ा सुकून से सारी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। लेकिन कल जो है ऐसा लगा कि जो है ना बाकायदा कुछ प्लान करके जो है वो कुछ टारगेट करके किया गया ताकि यहाँ का जो डिसिप्लिन है वो ख़राब हो, और कुछ लोग आए जिन्होंने इंतशार फैलाया। फिर इसी को देखते देखते आपको पता है फिर आवाम भी टूट पड़ी और सारा टेंट फाड़ दिया और ये सारी चीज़ें करके गए, जिसको देख के बड़ा दिल दुखा, अफसोस हुआ। लेकिन ये है कि हमने नियत की भी है कि इंशाल्लाह सफ़ेदपोश जो लोग हैं उनको फ्रूट्स मिलेगा इंशाल्लाह, और पुलिस को रेंजर्स को अल्हम्दुलिल्लाह ऑन बोर्ड लिया और बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने कोऑपरेट किया, और आज जो है वो सारा सिक्योरिटी का निज़ाम देखते हुए इन लोगों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलके अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक्टिविटी स्मूथ रही, और जितना हमारे पास फ्रूट्स था सारी फैमिलीज तक हमने दोबारा पहुँचाया। तो ये सिलसिला हुआ था। अच्छा व्यूवर्स, पाकिस्तान में वेलफेयर भी करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, और फिर वेलफेयर के नाम पर जो बड़े बड़े नाम है वो भी क्या करते हैं, वो भी सबके सामने है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जो ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। मैं मुस्तफ़ा भाई से दोस्ती भी है लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि माशाल्लाह मुस्तफ़ा भाई का ये जो आइडिया था, आपको खुद ही इसको देख कर समझ आएगा कि 10 रुपये केजी देने का मतलब ही ये है कि जो सफ़ेदपोश लोग हैं, जो वेल डिजर्विंग लोग हैं, जो डिजर्व नहीं भी करते लेकिन यह कि इस वक्त रमज़ान में महंगाई है तो उनको जिस तरह भी हो सके उनकी मदद की जाए, लेकिन इस तरह जो है वो जैसे बिल्कुल हम तहफ़ुज़ात तो हमें होते हैं कि इस तरह कैसे सब कुछ जो है वो धर्म बरम हो गया। लेकिन अच्छा हो गया, चले मुस्तफ़ा भाई एक तो चले मदद तो लोगों की इसी तरह होती रहेगी, आप कर रहे हैं, और अब चले कानून नाफिज करने वाले अदारे भी जो है पुलिस एंड रेंजर्स भी ऑन बोर्ड आ गए तो मजीद चीजें बेहतर होंगी। हर अच्छे काम में इस तरह की मुश्किल का तो सामना करना पड़ता है, बट मैं तो आपको रियली अप्रिशिएट करूंगा कि माशाल्लाह आप जिस तरह काम कर रहे हैं, लोगों का सपोर्ट है कि जो है ना हम ये सारे काम कर पाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जारी रखें, तो अभी इस रमजान में क्या आपकी एक्टिविटीज इसी तरह ये फ्रूट रहेगा, और तकरीबन कितना फ्रूट आता है रोजाना का और कितना आगे? रोजाना का जो है तकरीबन 500 प्लस फैमिली जो है यहाँ से फ्रूट्स लेके जाती है, जो कि मेरे ख्याल से कम नहीं, 500 फैमिलीज के दस्तरखान पे फ्रूट पहुँचाना ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो इसको आप बढ़ाते रहेंगे आगे, जैसे रश था, चले क्राउड तो था लेकिन इस तरह डिमांड भी तो बढ़ रही है। कुछ ऐसा जो है ना, मतलब हमें ऐसा लगता है कि जितना फुटफॉल है ना, जेन्युइन लोग जो होते हैं ना इसके अंदर, ये 500 के करीब होते हैं, तो हमने इसीलिए 500 का टारगेट रखा हुआ है। समटाइम्स अगर क्राउड बढ़ता हुआ नजर आता है तो हम उसको 500 को 600 पे भी ले जाते हैं, तो ये थोड़ा बहुत वेरिएट करता रहता है, समझे? जब हमें लगता है कि ज्यादा लोग आए तो हमारी क्वांटिटी बढ़ती भी है, और ये सारा कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम इसको कितना जो है ना इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपकी मुस्तफ़ा हनीफ फाउंडेशन है, इसमें सिर्फ रमजान के हवाले से ही, ये फ्रूट के हवाले से ही आप कंट्रीब्यूट या लोगों की हेल्प कर रहे हैं, इसको मजीद आगे हेल्थ केयर के लिहाज से भी आगे आपने किया हुआ? नहीं नहीं, लोग तो जानते हैं कि जो है ना सोशल मीडिया पे भी काफी सारी चीजें हम लोग इसके ऊपर अपलोड कर रहे होते हैं कि हेल्थ केयर के ऊपर तो हम लोगों की प्रायोरिटी है, पूरा साल हम इस पर काम करते रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करते हैं, लोगों को फूड स्टॉल्स वगैरह बहुत बड़े लेवल के ऊपर नहीं लेकिन फूड स्टॉल्स वगैरह, फ्रेंच फ्राइज के स्टॉल्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी लोगों को हम लोग जो है प्रोवाइड करते हैं। फिर ऐसे बच्चे जिनकी स्कूल की फ़ी उनके पेरेंट्स पे नहीं कर पाते, इस तरह की भी चीज़ें, लेकिन यह है कि ज़ाहिर है बहुत बड़े लेवल के ऊपर नहीं लेकिन हम वेरीफाई करते हैं, तस्दीक करते हैं, 100% जो नीडी लगता है उसकी हेल्प करते हैं। अच्छा, ये जो एक तो कल चल इंसिडेंट हो गया, इसी तरह का वेलफेयर के दौरान आपको कोई ऐसी मुश्किलात में कौन से ऐसे मौके हैं कि जहां बहुत डिसहार्ट भी और आपने सोचा कि यार ये भी होता है वेलफेयर में, हम तो सीधा सीधा काम निकले हुए हैं? सर, सैलाब मुतासरीन की लिए हमने अच्छी खासी एक्टिविटीज की अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा फंसे थे उन दिनों, हमें मालूम था लोगों के पूरे के पूरे ट्रक लूटते थे, हमने अपने सामने देखे ट्रक लूटते हुए। हमारे लोगों के अंदर जो ये बेसब्रापन है ना, ये नज़्म व ज़ब्त की कमी है, ठीक है, अंदरून सिंध हम जाए वहाँ पे तो लोगों ने बाकायदा लूट मार करते थे वो, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बचे रहे, लेकिन एक मरतबा हम भी फंस गए थे, बाकायदा अटैक हुआ था हमारे ऊपर, पुलिस मतलब इतनी पब्लिक आई थी कि पुलिस को भी संभालना मुश्किल हो गया था, तो वहाँ पे भी हमारे साथ एक सिचुएशन हुई थी, उसको भी देख के बड़ा दिल दुखा कि यार हम लोग क्या करें। अभी हम लोग तुर्की गए थे वहाँ पे जलजले के हवाले से, यार वहाँ पे बड़ा डिसिप्लिन है यार, कोई आके आपको उफ तक नहीं करता, आपको परेशान भी नहीं करेगा, अगर आपने देना है तो आप मुझे दे दें, अदरवाइज मैं आपसे मांगूंगा नहीं आगे।
सेल्फ रिस्पेक्ट की बात। अच्छा, इसमें किसका क्या रोल हो सकता है? ज़ाहिर है ये जो लोग हैं, अगर हम चले अंदरूनी सिंध की भी बात करें, ये लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी से भी दूर हैं, अवेयरनेस से भी दूर हैं, उस तरह अवेयरनेस भी नहीं है, उस तरह टीवी तक भी एक्सेस नहीं होगी उनको चीजें समझ में। इसमें रोल किसका बुनियादी हो सकता है, कौन इसमें बेहतरी ला सकता है? सर असल में जो है ना, आप अगर ये बात करें कि हम गाँव वगैरह में जाते हैं, इस तरह एजुकेशन की कमी, तालीम की कमी है, लोग एजुकेटेड नहीं है कि उनको इस चीज़ का पता चले कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी कौमें ऐसे ही आगे नहीं बढ़ जाती हैं, सबसे पहले जो है वो हमें अपने आप को सही करना पड़ता है। अगर अब फॉर एग्जांपल हम यूके से डॉक्टर्स को लेके आए, सही है, यूके से हमारे साथ लोग आए वॉलंटियर करने के लिए कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अब उनके ऊपर उनके जहन पे क्या असर पड़ेगा कि अच्छा ये लोग जो है वो छीना झपटी करते हैं, नेक्स्ट अल्लाह ना करे कोई डिजास्टर आया हम लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप लोग अच्छे से डिसिप्लिन के साथ काम करने देंगे, कल को अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन आती है, दुनिया से लोग आएंगे, लेकिन कल जो हुआ यहाँ पे मीडिया ने दिखाया, आपको क्या लगता है बाहर लोगों ने नहीं देखा होगा? बाहर सब लोगों ने देखा होगा। ये सारी चीजें जो है ना फिर फैसला करती हैं कि अल्लाह ना करे कभी जो इस तरह की कोई सिचुएशन हुई तो बाहर से लोग आने का सोचेंगे या वो पहले बोलेंगे कि नहीं जाना हमको। बिल्कुल, ये आपने मुस्तफा भाई बहुत अहम नुकता उठाया और बड़ी अहम बात की है। आप देखेंगे ये सिर्फ चीजें ग्राउंड लेवल पर वरी नहीं करती। मैं सिर्फ आपको फ्लड के हवाले से बताऊं, मैंने तो फ्लड भी सारा कवर किया। ये जो कल यहाँ पर जेल चुरंगी पर शहर के बीचों बीच यहाँ पर सामने जेल चुरंगी है, यहाँ पर जो हुआ ये अंदरूने सिंध में जब होता रहा तो मेरी एक दोस्त है फॉरेनर जर्नलिस्ट, वो इसी तरह नेशन से इकट्ठी कर रही थी और वो मुझे पूछ रही थी कि आप बताएं। मैं प्रोग्राम के दौरान उन्हें अपडेट कर रहा था कि ये देखें कि हेयर पाकिस्तान इन्वेस्ट सिचुएशन, और कह रही थी कि मैं डोनेशंस मैंने कलेक्ट कर लिया, अब बताएं कौन सा रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, कौन सी एनजीओ जिसको मैं दूं, और मैं उसे कोई एक भी एनजीओ नहीं था बता सकता, नहीं मैं बता नहीं था रहा। तो अब देखें कि ये स्टेट लेवल का एक तो बुनियादी काम होता है, पब्लिक को भी समझना चाहिए लेकिन स्टेट को भी एजुकेशन के हवाले से ये काम करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आज ये एक छोटा सा फ्रूट का स्टॉल है, यहाँ पर जो है वो बदनज़मी हुई है, ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जब हम इलेक्शन में देखते हैं, जब हम जलसे जुलूसों में देखते हैं, जब हम हर इवेंट पर देखते हैं कि इस तरह जब बदनज़मी होती है तो वो बेसिकली अचानक से नहीं हो जाती। एक तो कुछ ऐसे अनासर भी होते हैं जो बदनज़मी पैदा करवा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल आपके लिए और इंशाल्लाह अभी तो रमजान का आगाज हुआ है, सारा रमजान आगे पड़ा हुआ है और लोगों के काम पाकिस्तान में तो वो कहते हैं ये जेरे तमीर है, तो वेलफेयर का काम होता रहेगा, चलता रहेगा, और अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह हिदमत खल्क की जो है वो करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।